हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट के बुक के बारे में। ये जो बुक होगी आपको सब ड्रग्स के बारे में बताएंगी कि कौन कौन सी ड्रग्स के क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं, क्या यूजेस होते हैं, क्या बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज होती है, क्या फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं ड्रग्स की और उनके एक्शन की, एडवर्स इफेक्ट की, कौन से इंडिकेशन की, और कौन कौन सी टाइप, कौन कौन सी ड्रग अपना एक्शन शो करती हैं, एंटी कन्वर्सेंट कौन सी होती हैं और एंटी पायरेटिक कौन सी होती है। इन सब ड्रग्स की कैटेगरी के बारे में हम स्टडी करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट में। ये जो बुक होगी आपको बहुत अच्छी तरीके से मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट के बारे में स्टडी करवाएगी। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इसके अंदर डीपली ड्रग्स के बारे में, उनके केमिकल्स के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में कि फेंजामाइन क्या होता है, सलबूटामॉल क्या होता है, क्लोरफेंजामाइन क्या होता है, सिटीजिन क्या होता है, इन सब केमिकल्स के बारे में बहुत अच्छी तरीके से इस बुक के अंदर बताया हुआ, जिससे आप अच्छे से स्टडी कर पाएंगे ड्रग्स की और उनके केमिकल की, उनके डेरिवेटिव की, कि वो किस तरीके से बनती है और कैसे कैसे वो हमारी बॉडी में बाइंड करती हैं और उसके बाद अपना एक्शन को शो करती हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट होता है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी लेंथी क्लासिफिकेशंस होती है। ड्रग्स के बारे में बहुत डीपली इसके अंदर स्टडी की जाती है। जो सब्जेक्ट होता है आपको अच्छे से समझाता है ड्रग्स के बारे में, अच्छे से नॉलेज देगा आपको उसके केमिकल्स के बारे में, क्या क्या उसका क्लासिफिकेशन। तो एक ये मस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बुक भी दिखाऊंगा, बुक के अंदर का कंटेंट भी दिखाऊंगा कि किस किस तरीके से जो हमारे राइटर्स होते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं हमारे टॉपिक को, सब टॉपिक को, मेजर माइनर हेडिंग्स को, और किस किस तरीके से उन्होंने सेट किया हुआ है सिलेबस और कंटेंट को, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। और अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दिया करिए, मैसेज कर दिया करिए, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको क्या जानना है और मैं आपको जवाब दे दूंगा। और साथ ही साथ में, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन दिया हुआ, उस पर क्लिक करने से चैनल सब्सक्राइब हो जाता है। तो यह है हमारी बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर की बुक मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट की। यहाँ पे लिखा हुआ ए टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट बी फार्मेसी सेमेस्टर फोर्थ, और यहाँ पे लिखा हुआ राइटर का नाम डॉक्टर कोंडा रवि कुमार, जो इसके राइटर का नाम है वो है डॉक्टर कोंडा रवि कुमार, और पब्लिशिंग कंपनी है सिया। सिया ने इस बुक को पब्लिश किया। ये एक बहुत बेस्ट बुक होगी आपके लिए मेडिसिनल केमिस्ट्री की स्टडी करने के लिए, क्योंकि मैंने इस बुक को पढ़ा है और बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इसके अंदर एक्सप्लेनेशन ब्रीफली की गई है मेडिसिन की, ड्रग्स की, केमिकल्स की, क्लासिफिकेशन की। तो आपको इस बुक से ज़रूर पढ़ना चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ उस बुक के अंदर क्या क्या कंटेंट दिया हुआ है। तो यह है हमारा कंटेंट, तो यह है हमारा कंटेंट। यूनिट फर्स्ट में बताया जाता है बेसिक कंसिडरेशन ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, इंट्रोडक्शन, आयोनाइजेशन, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, पीके, सॉल्युबिलिटी, पार्टीशन कोएफिशिएंट के बारे में बताया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्रोटीन बाइंडिंग, प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग, टिश्यू ड्रग बाइंडिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन टिश्यू ड्रग बाइंडिंग, चिलेशन, बायो एसोटरिज्म के बारे में बताया जाता है, ऑप्टिकल एंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, ड्रग मेटाबॉलिज्म के बारे में बताया जाता है, इंट्रोडक्शन रोल ऑफ एंजाइम इन ड्रग मेटाबॉलिज्म, फेज फर्स्ट बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन, फेज टू कॉन्जुगेशन टू डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो यूनिट फर्स्ट में बताया जाता है बेसिक कंसिडरेशन ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में, और यूनिट टू में बताया जाएगा ड्रग एक्टिंग ऑन ANS, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इंट्रोडक्शन न्यूरोकेमिकल ट्रांसमिशन इन ANS, ड्रग एक्टिंग ऑन ANS, सिंपैथेटिक एडिनर्जिक नर्वस सिस्टम, इंट्रोडक्शन एडिनर्जिक ट्रांसमिशन, एडिनर्जिक रिसेप्टर, सिम्टोमेटिक एडिनर्जिक एगोनिस्ट, डायरेक्टली एक्टिंग सिम्टोमिमेटिक्स, फिनाइलफेरिन, सलबूटामॉल। आगे बढ़ते हैं तो हमारा बताया जाएगा इनडायरेक्टली एक्टिंग सिम्टोमिमेटिक्स के बारे में बताया जाएगा, मिक्स्ड एक्टिंग सिम्टोमिमेटिक्स के बारे में, सिम्पैथोलाइटिक्स एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट, इंट्रोडक्शन एडिनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ब्लॉकर्स के बारे में, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट बीटा ब्लॉकर्स के बारे में बताया जाएगा। यूनिट थर्ड में हमें बताया जाएगा ड्रग एक्टिंग ऑन ANS, पैरा सिम्थेटिक यानी कि कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम के बारे में, इंट्रोडक्शन कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन एंड कोलिनो रिसेप्टर्स के बारे में बताया जाएगा, पैरा सिम्टोमिमेटिक्स के एजेंट कोलिनर्जिक एजेंट के बारे में बताया जाएगा, डायरेक्ट एक्टिंग ऑन कोलिनोमिमेटिक्स, इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनोमिमेटिक एंटी कोलिनिस्टेसिस के बारे में, इंट्रोडक्शन
न्यूस्टिजमैन के बारे में बताया जाएगा, कोलिन स्टेज के बारे में, रिएक्टिवेटर्स के बारे में बताया जाएगा, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट के बारे में बताया जाएगा, इंट्रोडक्शन एंटी मस्कनिक्स के बारे में बताया जाएगा, ड्रग्स के बारे में, इप्राट्रोपियम के बारे में बताया जाएगा, ब्रोमाइड, पॉलीसाइक्लिनिडिन, हाइड्रोक्लोराइड के बारे में बताया जाएगा। यूनिट फोर्थ में आते तो हमारा बताया जाता है ड्रग एक्टिंग ऑन CNS, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक, इंट्रोडक्शन बेंजोडाइजिपिन, बारबिट्यूरेट, एंटी साइकोटिक में पढ़ते हैं, ट्रैंकुलाइजर्स के बारे में, इंट्रोडक्शन फिनोथियाजिन्स के बारे में पढ़ते हैं, ब्यूटियोरीफिनोन्स के बारे में पढ़ते हैं। थर्ड में हम आते हैं तो हमारा आता है एंटी कन्वल्सेंट या फिर एंटी एपिलेप्टिक में, इंट्रोडक्शन, फिर हमारा आता है हाइडोन्ट्स के बारे में, इम्यूनो स्टिबुलिन्स के बारे में, सक्सिनिमेट्स के बारे में, फिर लास्ट यूनिट यूनिट फाइव में हम पढ़ते हैं ड्रग एक्टिंग ऑन CNS, जनरल एनेस्थेटिक्स के बारे में, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, कीटामाइन, हाइड्रोक्लोराइड, हेलोथेन के बारे में पढ़ते हैं, मिनोक्सिटल सोडियम के बारे में पढ़ते हैं, एनल्जेसिक्स के बारे में पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन ओपोडोन, नार्कोटिक एनल्जेसिक्स के बारे में, क्लासिफिकेशन मॉर्फिन एनालॉग्स के बारे में, मॉर्फिनन एनालॉग्स के बारे में, बेंजोमॉर्फेंस के बारे में पढ़ते हैं, फोर फिनाइलपिपरिडीन्स के बारे में पढ़ते हैं, और साथ ही साथ मेपिडिन कोजिनस के बारे में, और एनिलोड पेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, डाई फिनाइल हेप्टोन्स, मिथाडोन, कॉन्जेंस के बारे में पढ़ते हैं, और सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ऑफ ओपोइड एनल्जेसिक्स के बारे में, नार्कोटिक एंटोगोनिस्ट। फिर हम आते हैं टॉपिक थर्ड में, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग यानी कि नेसेड्स, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, एनहाइड्रिनिक्स के बारे में, एसिड डेरिवेटिव, फिनामिक एसिड के बारे में पढ़ते हैं, पायराजोलिन एंड पायराजोलिडिनोन डेरिवेटिव के बारे में पढ़ते हैं, सलिसिलेट, सलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव, एरिलाकोनिक एसिड के बारे में पढ़ते हैं, ऑक्सीकैम और इनोलॉइक एसिड डेरिवेटिव के बारे में, सेलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर ड्रग विद वीक एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी। तो ये था हमारा कंटेंट, और देखते हैं चैप्टर में किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो ये है हमारा यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में बताया जाता है बेसिक कंसिडरेशन ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन में हमें बताया गया मेडिसिनल केमिस्ट्री इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस इन्वॉल्विंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, टॉक्सिकोलॉजी एंड कंप्यूटर मॉडलिंग। तो ये देखिए, ये हिस्ट्री हमारी बताई गई है, ये हमारा बताया गया अदर माइलस्टोन इन फील्ड ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, ये देखिए। और आगे बढ़ते हैं तो हमारा बताया जाता है यहाँ पे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इंट्रोडक्शन आयोनाइजेशन के बारे में बताया जाता है, सॉलिबिलिटी, पार्टीशन कोऑफिशिएंट के बारे में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्रोटीन बाइंडिंग, चिलेशन के बारे में, बायोस्टेजम के बारे में बताया जाता है, ऑप्टिकल एंड जियोमेट्रिकल आयोमेरिज्म के बारे में बताया जाता है, आइसोमेरिज्म के बारे में बताया जाता है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से आपको ये बुक समझाएगी, देखिए कैसे रिएक्शंस अच्छे से हमें समझाई गई है। एक टेबल दिए गए पी के वैल्यू ऑफ सम वीकली एसिडिक एंड बेसिक ड्रग की। तो ये देखिए, और देखते हैं आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए, तो ऐसे ही करते करते बहुत अच्छी तरीके से ये बुक हमें समझाती है मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में। तो आई होप आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट की ये बुक अच्छी लगी हो, क्योंकि ये सबसे बेस्ट बुक है मैंने आपको दिखाई है। और अगर आपको इसको परचेज करना है तो आप इस बुक को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। मैंने इसको ऑनलाइन डिलीवर करवाया था अमेजोन से, इसको परचेज किया था अमेजोन से। ऑफलाइन मार्केट से भी अगर आपको ये बुक मिलती है तो आप खरीद सकते हैं, क्योंकि ये बेस्ट बुक है। अभी आपने देखा होगा कि किस किस तरीके से इसके अंदर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया हेडिंग्स को, और बहुत अच्छी तरीके से सेट किया गया कैटेगरी वाइज सिलेबस को, और आपको अच्छे से समझ भी आया होगा क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि इस बुक के अंदर किस तरीके से एक्सप्लेन किया होगा हमारे ड्रग्स को या केमिकल्स को, या फिर जो भी मेडिसिन केमिस्ट्री के अंडर में जो भी सिलेबस आता है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उस वीडियो को लाइक, और अपने दोस्तों के साथ में इस बुक को ज़रूर शेयर करिएगा, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में। और अगर आपको और कुछ जानना हो या फिर और कुछ पूछना हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे DM कर दिया करिए, मैसेज कर दिया करिए, मैं आपको बता दिया करूँगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू।